हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्रीगेट नॉलेज में। तो आज हम चैप्टर 14 करने जा रहे हैं। इसमें हम टॉपिक्स करेंगे, पहला इंसर्ट कॉमा कैसे करते हैं, करंट डेट कैसे एंटर करेंगे, करंट टाइम कैसे करेंगे, दो फाइल्स के बीच में स्विच कैसे करेंगे, और अगर हमारे पास फाइल ज़्यादा है तो अगर कहीं हम ज़्यादा आगे चले गए तो बैकवर्ड स्विच कैसे करेंगे। तो पहला टॉपिक है इंसर्ट कॉमा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये एक नंबर है, इसमें कोई भी कॉमा नहीं लगा हुआ है अभी, तो आप सिंपली जाओगे इस आइकन पे, कॉमा स्टाइल वाले पे, इस पे क्लिक करोगे। ये थोड़ा छोटा हो गया, ऑल्ट एच ओ आई दबाऊंगा, ये सही हो जाएगा। ये देखो, ये मिलियंस में कर दिया इसने नंबर्स एक्चुअली, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा इसका शॉर्टकट की है आप लोग जो कि यूज कर सकते हो, वो है ऑल्ट प्लस एच प्लस के। तो मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट प्लस एच प्लस के, देखो कॉमा लग गया इस पे। दोबारा ऑल्ट एच आई दबा दिया। दूसरा टॉपिक हमारा एंटर करेंट डेट इन अ सेल। तो इसके लिए सिंपल आप प्रेस करो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। तो ये कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम प्रेस किया मैंने, ये देखो करेंट डेट आ गई। अब तीसरा टॉपिक हमारा एंटर करेंट टाइम इन अ सेल। तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये हाइफन प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाइफन प्रेस किया मैंने, ये करंट टाइम आ गया। अब जैसे दो फाइल्स हैं आपके पास, तो आप उनके बीच में स्विच कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो, ये एक तो मेरी एक्सेल फाइल खुली है, एक मैंने यहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। ये ऐसे स्विच कर सकते हैं हम लोग दो फाइल्स के बीच में। और अगर हमें लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्विच बैकवर्ड टू फाइल्स, तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे, इसमें शिफ्ट और ऐड हो जाएगा। तो जैसे आप स्विच कर रहे हो, आप यहाँ पे आगे चले आए, इस वाले पे जाएंगे, तो आप चाहते हो कि वापस आओ इस पे, तो आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाओगे, और बैकवर्ड आना चाहते हो तो और एक बार ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा के रखना और टैब मार देना और बैकवर्ड आ जाएगा। फिर फॉरवर्ड जाना चाहते हो, ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब फॉरवर्ड, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके रखा मैंने, और फिर बैकवर्ड जाना है तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट करके प्रेस रख के टैब, फिर टैब, ये ऐसे ऐसे आप ये बैकवर्ड के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा के रखना, फिर टैब मारना है, और अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो ऑल्ट दबा के रखना और टैब मारते रहना है।